शॉर्ट कट टू लूज फैट सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, उससे कई ज्यादा अच्छा लगेगा जब मैं इसका आपको रास्ता बताऊंगा। सबसे पहले आपके साथ मैं कुछ स्टडी शेयर करता हूँ, एक डाइट के ऊपर एक ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि ये दो चीजें बहुत मैटर करती है जल्दी से फैट कम करने के लिए। तो कुछ साल पहले साइंस ने एक स्टडी की, दो सेम कैटेगरी को लोग को पिक किया जिनका हाइट वेट एज सब कुछ सेम था, बस उनकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी चेंजेस कर दी। फर्स्ट डे दोनों को सेम प्रोटीन दिया 0.7 ग्राम पर बॉडी वेट केजी, अगर दोनों पर्सन 80-80 केजी के तो फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट डे दिया 55 ग्राम प्रोटीन और दूसरे पर्सन को 55 ग्राम प्रोटीन दिया। और ये स्टडी चली 8 वीक्स तक और धीरे धीरे एक पर्सन का कर दिया 0.7 ग्राम पर बॉडी वेट से 0.4 ग्राम पर बॉडी वेट केजी, मतलब कि उनका 55 ग्राम प्रोटीन से धीरे धीरे कर दिया 30-35 ग्राम तक प्रोटीन, और दूसरे पर्सन का कर दिया 0.7 ग्राम पर बॉडी वेट से 1.1 ग्राम पर बॉडी वेट केजी, मतलब कि उनका 8 वीक तक कर दिया, अगर 80 किलो के वो उनका 55 ग्राम प्रोटीन से कर दिया 85 ग्राम प्रोटीन। और जब 8 वीक्स हुआ दोनों के रिजल्ट आए तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे, जिनका प्रोटीन इंक्रीज किया था उनकी बॉडी में मसल मास जो इंक्रीज हुआ, मतलब कि मसल के अंदर एनर्जी स्ट्रेंथ, वो ही अराउंड 2.1 केजी, मतलब कि 2 किलो उन्होंने मसल मास पुट ऑन किया जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और उनकी फैट परसेंटेज भी डाउन हुई, 2% उनका बॉडी फैट कम हुआ, बॉडी फैट परसेंटेज 2% बॉडी फैट बहुत ज्यादा कम होता है, इसमें आप कह सकते हो उन्होंने 4-5 किलो कम किया होगा। अगेन जो दूसरी साइड था जिनका प्रोटीन धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था, उनका जो मसल मास पुट ऑन हुआ वो हुआ 0.6 ग्राम, मतलब कि दूसरे पर्सन से कंपैरिजन किया जाए तो हाफ से भी हाफ, इतना ज्यादा कम। और उनकी फैट परसेंटेज कम हुई 1%, वो भी उनसे हाफ। तो इतना ज्यादा प्रोटीन मैटर करता है, अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी रखोगे तो आप अपना फैट जल्दी कम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी स्टडी, ये स्टडी से पहले बता दूं, बहुत लोग फैट कम करने के लिए, मतलब कि बेली फैट कम करने के लिए पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज करते रहते हैं, ये सोच के भी इससे हमारा बेली फैट कम हो जाएगा। तो इसके ऊपर स्टडी हुई थी 2011 में, 6 वीक तक ये स्टडी चली। स्टडी में हुआ क्या था, कुछ पर्सन को सिर्फ बेली फैट मतलब कि एब्स की ट्रेनिंग कराई, हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग कराई, रिजल्ट क्या है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे, उनकी बॉडी के अंदर कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखे, मतलब कि कोई ज्यादा चेंजेस नहीं दिखे उनका, ना ही फैट परसेंटेज कम हुई ना ही बेली फैट कम हुआ, क्योंकि उनको सिर्फ एब्स की ट्रेनिंग कराते थे, मतलब कि बेली फैट की ट्रेनिंग कराते थे। तो आप क्या समझे, अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया से फैट कम करना चाहते हो तो वहां की एक्सरसाइज कर करके फैट नहीं कम होएगा। अब मैंने आपके साथ स्टडी शेयर कर दी, अब मैं बताता हूँ हम कैसे जल्दी वेट कम कर सकते हैं। साइंस के हिसाब से मंथ के अंदर आप 2 केजी से 4 केजी तक कम कर सकते हैं, बट अगर आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करोगे इससे अगर आपका 8 से 10 केजी भी कम हो रहा है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड आपको और ज़रा हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके इतना वेट कम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा भी आपको 8 से 10 केजी कम करना चाहिए मंथ के अंदर, बहुत ही कम लोगों का इतना वेट कम होता है। अगर आपका 4 से 5 केजी कम हो रहा है बट आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले डाइट की बात करते हैं, सबसे पहले आपने अपनी प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करनी है, मतलब कि जितना आपका वेट है, फॉर एग्जांपल आपका 80 केजी वेट है तो आपको 70 से 80 ग्राम अपनी डाइट के अंदर डेली प्रोटीन ऐड करना ही चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। और प्रोटीन के सोर्सेज सोयाबीन मिल्क कर्ड चिकपीस, ये सारी चीजें आप प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उसके सोर्सेज आपको एग्स चिकन ये चीजें मिल जाएंगी, बट वेज में बहुत ही कम क्वांटिटी होती है प्रोटीन की, तो आप यहाँ एक सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो प्रोटीन का। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, बहुत लोग कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देते हैं फैट कम करने के लिए, तो उससे आपका फैट तो कम नहीं होएगा, उल्टा आपकी बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज आ सकती है, आपका ब्रेन वीक हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है। तो आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं कम करने, फिर भी डरते हो कार्बोहाइड्रेट को, तो आप 2 टाइम ऐड कर लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, एक तो एक्सरसाइज से पहले दूसरा एक्सरसाइज के बाद। और कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज कौन से होते हैं, रोटी राइस पोटैटो ओट्स, ये सारी चीजें कार्ब्स के सोर्सेज होते हैं, ये आप एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद ऐड कर देना, पूरा दिन आप चाहे कार्ब्स मत खाना। अब दूसरी बात करते हैं, सोने से पहले आपने रात को डाइट के अंदर गुड फैट सोर्सेज ऐड करने, स्पेशली मिल्क ड्राई फ्रूट्स नट्स एंड सीड्स, और दिन में आपने एक बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करने अपनी डाइट के अंदर, कोई भी टाइम आप ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। बढ़िया, मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर दी, ये आपने डाइट के अंदर ऐड डेली करनी ही करनी है, और इसके साथ 4-5 लीटर ऑफ वाटर, तो ये गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है डाइट के अंदर। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के अंदर भी हमें किस टाइप की ट्रेनिंग करनी चाहिए, हमने सुन तो लिया सिर्फ एब्स की ट्रेनिंग करके हम अपना बेली फैट नहीं कम कर सकते, तो आपको यहाँ मैं रिकमेंड करूंगा आपको अपनी फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, मतलब कि अगर आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर स्क्वाट्स लंजेस इस टाइप की एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए। अगर आप अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो तो इसके अंदर आप पुशअप्स शोल्डर प्रेस बाइसेप्स कर्ल मतलब कि हर एक मसल्स की आप एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो। अगर आप सभी मसल की एक्सरसाइज ऐड करोगे डे बाय डे तो ही आपका जल्दी से वेट कम होएगा। और इसके साथ आप 20 से 30 मिनट कार्डियो कर सकते हो, मतलब कि साइकिलिंग रनिंग वॉक एनी टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस। अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली आपको डेली रिजल्ट दिखेंगे, आपका एवरी वीक बहुत ही अच्छा
ज्यादा वेट और बहुत ही अच्छा फैट कम होता रहेगा, क्योंकि वेट से भी ज्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी का फैट कम होना। अगर आप इस अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके मसल के अंदर भी स्ट्रेंथ आएगी, मतलब कि मसल का भी वेट गेन होएगा। तो वेट आपका कितना कम हो रहा है वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता भी आपका फैट कितना कम हो रहा है, आपका वेस्ट लाइन कितनी कम हो रही है। तो ये गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है, मैं गारंटी देता हूँ आपको एवरी वीक रिजल्ट आएंगे। अगर आपने 6 मंथ के अंदर फिट होना है तो आप 3 मंथ के अंदर फिट हो जाओगे, आप हाफ टाइम के अंदर फिट हो जाओगे ये गाइडलाइंस को फॉलो करके। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और उनके साथ भी शेयर करना जो जल्दी से अपना फैट कम करना चाहते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो आपके गोल के अकॉर्डिंग मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए सजेस्ट करूं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपके लिए सजेस्ट करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।